गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह सहित अन्य शिक्षकों एवं छात्रों ने पौधरोपण किया। जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे पौधों का पौधरोपण हो रहा है जो ऑक्सीजन देते हैं और छायाकार होगा, जिसमें नीम, पीपल, बरगद, आंवला शामिल है। साथ साथ ऐसे वृक्ष लोगों को छाया देने के साथ ही कैंपस का हरा भरा रख सकें। कुलपति ने कहा कि माना जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। हम सभी लोगों को जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना आसान है, उसकी देखभाल करना कठिन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, आप आइए जी जी, इधर आइए, इधर सर पीछे आइए, आप लगाइए। अरे ऐसा है, मिठाई आ जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और इस विश्वविद्यालय के कैंपस को ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है और इसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। और सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है वो 501 पौधों का रोपण करना है पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में, सिर्फ यहाँ मेन कैंपस में ही नहीं बल्कि छात्रावास में भी, एडी बिल्डिंग में भी और रेजिडेंशियल एरिया में भी। हम ऐसे वृक्षों का चयन किए हैं जो कि फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, लो हाइट होते हैं, हमेशा ग्रीन होते हैं। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इसको चूज़ करने का रीज़न था वो ये है कि इन पौधों से लिटर बहुत कम गिरता है। जैसे कि सागौन और इस तरह के पेड़ लगा देते हैं तो उनके जो पत्ते हैं वो सब नीचे बहुत ज़्यादा बल्क में गिरते हैं और डिग्रेड नहीं होते हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम फ्रूटिंग पौधों को लगाएंगे, ग्रीनरी भी होगी, फ्रूट्स भी मिलेंगे और वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा, तो एक कंपोस्टिंग की समस्या से भी हमें निजात मिलेगी। और इस तरह का हम एक एम लेके चल रहे हैं और 2 से 3 दिनों में 500 का लक्ष्य है कि हम 500 वृक्ष को यहाँ पे रोपण करें। बोले के लिए जागरूक है और वह वृक्ष लगा रही है जगह जगह, और ख़ासकर इस मौसम में जब बरसात हो रही होती है वृक्ष के साथ लगाने के साथ उसकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है ताकि अगले वर्ष तक वो वृक्ष अपने पूर्ण रूप में आ जाए। और हमारे देश में जैसा कि इसकी मुहिम चलाई गई है अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी, और 25 करोड़ के आसपास पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको हमारे विश्वविद्यालय के लोग भी सुबह बड़ी मेहनत से उसको कार्रवाई कर रहे हैं। विगत एक हफ्ते से जगह जगह वृक्ष लगाए गए हैं, विश्वविद्यालय में भी और कैंपस में भी, रेजिडेंशियल के पास भी। मैं जैसा कि आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ उस पुनीत कार्य के लिए, और ख़ासकर हमारे जो छात्र हैं जो ABVP से भी जुड़े हुए हैं, अपना योगदान समाज के हर पहलुओं के साथ साथ इस एरिया में भी कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। परिसर में किस किस तरह का पेड़ लगाया जाए? अब ये सामने आपके है, ये क्या पलास है, फलदार आंवला है, इस तरह के फल वाले भी लगाए जा रहे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, पीपल है, बरगद है, उसके लिए महामहिम का भी निर्देश है कि ऐसे पेड़ों को लगाया जाए जो ऑक्सीजन देते हैं, और उसमें पीपल और बरगद मुख्य रूप से है, नीम है जो मेडिसिनल प्लांट है, अभी नीम का पेड़ कभी लगाया गया उधर साइड में, तो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पेड़ लगाए जाए जो लंबे समय तक छाया भी दें, फल भी दें, और ये माना जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो हम सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं और विश्वविद्यालय काफ़ी हरा भरा हो जाएगा आने वाले दिनों में। और पेड़ जो है काटे जाते हैं, काटना आसान होता है लेकिन लगा के ग्रो करना, उसको प्रोटेक्शन करना एक दुर्लभ कार्य होता है जिसको समस्त परिवार के लोग लगे हुए हैं। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोई अपील लोगों से पेड़ लगाने? पेड़ लगाने की अपील तो सदियों से, हमारे प्राचीन काल से ही हमारे देश में उसकी पूजा भी की जाती है, पेड़ की, पीपल को भी पूजा जाता है, बरगद को भी पूजा जाता है,
तो जिस चीज़ को प्राचीन काल से ही जिसके लिए हमारी संस्कृति में घुला मिला है, तो मैं पुनः सबसे अपील करता हूँ, खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वह ज़्यादा जागरूक है, अब वो समझ रही है कि पेड़ों को न किसी लगाना है बल्कि जो लगे हुए पेड़ हैं उनको बचाना भी है कटने से। और अब तो बड़े क्रिमिनल लॉज हैं, पेड़ अगर काटे जाते हैं बगैर परमिशन के तो वह उसके लिए सीवियर क्रिमिनल लॉज हैं। सबको जागरूक करने की ज़रूरत है और हर्ष का विषय है कि हमारे सभी शिक्षक, हमारे छात्र, हमारे कर्मचारी बंधु, सारे परिवार के इसमें सजगता से लगे हुए हैं।